हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। तो चलिए बात करते हैं हिमांशी और ऋषि के बारे में। हिमांशी और ऋषि के सेपरेशन के बारे में एक जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कॉमन बाहर निकल के आ रही है वो है कि हिमांशी और ऋषि के सेपरेशन की वजह ऋषि की फैमिली यानी कि उनकी सिस्टर और उनकी मदर है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया और बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई जा रही है जिस पे ये कहा जा रहा है कि हिमांशी और ऋषि के सेपरेशन की वजह उनकी मदर और उनकी सिस्टर है। जी हाँ, लेकिन ऋषि ने इन सब बातों को नकारते हुए कहा है कि उनकी जो सेपरेशन की वजह है वो उनकी फैमिली नहीं है, जबकि उनकी फैमिली को उनके सेपरेट होने की खबर मिली तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। फैमिली वाले भी इस बात से नाखुश थे कि ऋषि और हिमांशी ये फैसला क्यों ले रहे हैं, और उन्होंने बहुत कोशिश भी की उन दोनों को समझाने की, लेकिन चीज़ें इतनी वर्स हो चुकी थी कि उन दोनों ने ये फैसला लिया कि वो अलग ही रहेंगे। जी हाँ, कहा जाता है कि हिमांशी को जिस तरीके की वीडियोस ऋषि बनाना चाहता था, चैलेंजेस वीडियो जो कि उनकी सिस्टर इन लॉ यानी कि ननंद के चैनल पे होती थी, निशी के चैनल पे होती थी, वैसा बनाना पसंद था, लेकिन हिमांशी को वो सब चीज़ें पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से हिमांशी चाहती थी कि वो से वाली वीडियोस नहीं बनाए। लेकिन और दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि हिमांशी घर के कामों में हेल्प नहीं करती थी, जिसकी वजह से उनकी मदर इन लॉ भी उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहती थी। तो हिमांशी को यूट्यूब और करियर मतलब और घर को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही थी, और जिसके चलते घर गृहस्थी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, और यही एक रीज़न था सेपरेशन का। लेकिन हिमांशी और ऋषि दोनों ने इन बातों को नकारते हुए कहा है कि उनके सेपरेशन की वजह पर्सनल है और इसके ऊपर वो बात नहीं करना चाहते हैं।